डियर एमडीकेट यानी अस्सलाम वालेकुम, चार बज चुके हैं और ये ज़मीर आलम ने ताज़ा तरीन अपडेट ये दिया है कि आफ्टर हेयरिंग केम यू एडुकेट जनरल के पी एम पी एम डी सी द रिकंडक्ट इंडिकेट केस हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, इट मींस अ रिटन वर्डिक्ट विल बी इशूड सून अकॉर्डिंग टू द जे आई टी डिसीशन एंड जे आई टी हैज आस्क्ड टू रिकंडक्ट इंडिकेट। जब अदालत ने के एम यू एडुकेट जनरल के पी और पी एम डी सी के वकीलों के दलाइल सुने रिकंडक्ट इंडिकेट केस के बारे में, तो उन्होंने केस को डिस्पोज ऑफ किया। डिस्पोज ऑफ का मतलब ये है कि बहुत जल्द इस बारे में तहरीरी फैसला जारी होगा और वो फैसला जे आई टी डिसीशन के मुताबिक होगा। और आप सबको पता है कि जे आई टी ने रिकंडक्ट इंडिकेट का फैसला अदालत को दिया है। तो फिलहाल ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि मज़ीद इंतज़ार करना होगा। एक ख़बर यह है कि पी एच सी डिसीशन हैज़ बीन डिस्पोज्ड टिल टुमारो, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अगरचे दो किस्म की खबरें आ रहे हैं, रिकंडक्ट वाले कहते हैं कि रिकंडक्ट होगा और नो रिकंडक्ट वाले कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल केस डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है, यानी कल इसके बारे में तहरीरी फैसला आएगा। ये मुइन पब्लिकेशन ने भी ताज़ा तरीन खबर दी है कि ईटा ब्लू टुक स्कैंडल केस डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, यानी इसके बारे में तहरीरी फैसला आज या कल आएगा।